इतिहास में पहली बार 1,22,000 शिक्षकों की बहाली, और उसी में से एक हैं हमारे सौरभ सर। झारखंड से हैं और बिहार के कुलड़िया में ड्यूटी करने आए हैं। ई है बिरजिसवा, कैंची से ज्यादा दिमाग चलाता है, खुद ही एग्जाम्पल देख लीजिए। काम करो अब। अच्छा, अरे नहीं भैया, अच्छा बेटा एक बात पूछ रहे तुमसे, ये नया सूट बूट में मास्टर कौन गया है? वो न्यू सौरभ सर है। कैसे पढ़ाते हैं सौरभ सर? एकदम रॉकेट, ए भी सब समझ आ गया है। सब समझ में आ गया। अच्छा क्या बात है बच्चे, ये रहे 10 रुपए। और हाँ रिंकू ठीक से जाना। प्रणाम मास्टर साहब। प्रणाम। हमारे नाम ब्रजेश है, हमारा रिंकू अभी पढ़ता है इस स्कूल में। अच्छा, पास में ही नाई का दुकान है। वैसे मास्टर साहब आप यहाँ के नहीं लगते है, कहाँ के हैं आप? जॉब लगी है हमारी यहाँ, इसलिए यहाँ पे गांव के बाहर रेंट पर रहते हैं। अच्छा जी, कहाँ के हैं आप रहने वाले? खूटा झारखंड के रहने वाले हम। अच्छा, तो अकेले रहते होंगे तो खाने पीने की तो दिक्कत होती होगी? मम्मी पापा भाई बहन सब वहीं रहते हैं, काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी मास्टर साहब, वैसे कोई दिक्कत होगा तो मास्टर साहब हमें बताइएगा। मालिक से मिलना है। प्रणाम सरकार। सज्जन सिंह उर्फ कालीन भैया, याद है ना, गांव के नंबरदार हैं, हिटलर शाही और नवाबी में इनका भी कोई जोर नहीं। कार है बर्जिशवा? हाँ सरकार। सुने हैं बड़का बिजनेस हो गया है, खूब नाम कमा लिए हो। नहीं नहीं सरकार, अरे आप हमारे राजा है, हम आपकी प्रजा है, आपकी सेवा हमारी कर्तव्य है। अरे वो ससुरा कंधा का दर्द है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे सरकार हम है ना, लाइट हम दबा देते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर है ना सरकार। सरकार आप अपना कंधा पर बोझ लेके इतना चलते हैं कि आपका दर्द खत्म नहीं होता है। सरकार आपके हर बोझ और दर्द का इलाज है अपने पास। क्या बोझ क्या दर्द, एक पिता के लिए सबसे बड़ा दर्द यही होता है जब उसकी बेटी की शादी ना हो रही, उसी के लिए एक योग्य लड़का ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। भाई सरकार आप कैसी गर्दा बोझ करके बात कर रहे हैं? खबरदार देखो जितवा क्या बोल रहा है, कुसुम बेटिया मेरी जान है, समझा? सरकार ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच लिए हैं। सरकार एक लड़किया देखे हैं हम, पीसी करके आया है मास्टर है। मेरे रिंकुआ के स्कूल में नया मास्टर आया है, एकदम पढ़ा लिखा है, सुयोग है, शिक्षित है। पर वो तो बड़ा पढ़ा लिखा हो गए, हमर बेटी तो आज तक स्कूल के मुंह तक नहीं अपना पाएगा। कहे नहीं सरकार अपनाएगा, बिल्कुल अपनाएगा, हमारे पास है एक उपाय सरकार। ¶¶
शादी में डर होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। अरे क्या हुआ मास्टर साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही का? राजनिक जी कहा हो गया है, सवेरे फुल टंकी करवाए थे। अच्छा स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। रुकिए हम देखते हैं है? हम देखते हैं, रुकिए एक दो बार ट्राई करते हैं। ना फंस गए हैं, तबे से हम ट्राई कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। चलो रुकिए हम देखते हैं, थोड़ा उधर ही था। रुकिए कहा हुआ है, तार उर नहीं ना छोड़ दिया है कोनो? देखते हैं मास्टर साहब। मास्टर साहब इसमें तो तेल ही नहीं है। मेरे तेल डलवा है जी, क्या बात कर रहे हो? हो सकता है यहाँ लड़का सा बदमाश है, तेल निकाल लिया होगा। हाँ पेट्रोल ही निकाल लेता है, क्या कीजिएगा बदमाश लड़का सब यहाँ। चिंता ना कीजिए, यहाँ पास में ही है पेट्रोल, हम व्यवस्था कर देते हैं। अब तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। कौन दिक्कत नहीं होगा मास्टर साहब, आइए हम यहीं पे। ठीक है मास्टर साहब। तेल आ गया आपका? का जी आ गए, चाबी लाइए। कैसे पेट्रोल दिया मास्टर साहब? ज्यादा नहीं, 60 रुपए है। पेट्रोल पंप इधर है का? हाँ मास्टर साहब। रुकिए आप एक काम करिए, 60 रुपये ले लीजिए। 60 रुपये, चलिए 80 रुपये था, 60 रुपये ले लीजिए। बोलो नहीं मास्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका। अरे मास्टर साहब कोई बात नहीं है, हम आप ही की सेवा के लिए तो है मास्टर साहब। लगता है जानते हैं इंजन में भी कुछ खराबी है, ढके लिए। रुकिएगा मत, हम स्टार्ट कर लेंगे समझे, चलिए जोर से ढके लिए। और मास्टर साहब कल इतवार है, आइएगा, फुर्सत में छुट्टी है अगर। कल इतवार है आइएगा, गांव घुमा देंगे। आते हैं आपका गांव घूमने भी आप। अरे कोनो बात नहीं मास्टर साहब। अरे अरे भाई आपकी नाव पलटेगी नहीं ना? अरे नहीं मास्टर साहब कुछ नहीं होगा, अभी तो आप देखने किए हैं, पिंटुआ बहुत एक्सपर्ट है नाव चलाने। वो तो ही है, लेकिन बात ये है कि हमारी शादी भी अभी नहीं हुई है। अरे नहीं हुई तो हो जाएगी मास्टर साहब। अरे नहीं नहीं मजाक कर रहे। अरे नहीं नहीं क्या और ये है चंदन सिंह, मुन्ना भैया से कम नहीं, गांव में रॉबिन हुड का छवि है। अरे माफ कीजिएगा मास्टर जी, गलत इंसान नहीं है हम। वो क्या है ना मास्टर जी, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं हमरे तरह और एक होते हैं आपके तरह बेवकूफ। फिटनेस तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ से मुझे क्यों बांधे हो? वो क्या है ना मास्टर जी, उम्र हो गई है आपकी,
सोचे हैं आपका विवाह करा दे। अब तक कैसे रहिएगा इसे बिना शादी विवाह के? मुझे खोलो पहले बिली, ऐसे क्यों बांधे हो? ब्याह करने के लिए इतनी आवश्यक आवले ना हो ये। क्या ब्याह ब्याह की क्या लगा के रखो? कुछ नहीं मास्टर जी, मुझे हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। इतनी जल्दी नहीं जाना मास्टर जी, शादी करा देंगे आप। किसका शादी? आपकी कराएंगे। क्या बोल रहे हो? खोलो मुझे, मजाक नहीं, ब्रिजेस खोलो ना, प्लीज प्लीज मुझे घर जाना है, ब्रिजेस खोलो। मेरे मालिक आ ही रहे हैं। खरीदारी कीजिए अपने नए दामाद का। दामाद जी का स्वागत उनके ससुराल में थोड़ा अदब से किया जाए। कौन दामाद? कौन है? खाइएगा जीजा जी। अरे मास्टर साहब परेशान हुए हैं आप। मालिक दामाद ठीक चुने है ना? छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है? प्लीज बताओ मुझे आप कौन है? चलिए मालिक ले चला जाए मास्टर साहब जी को मंडप पे। क्या चल रहा है ब्रिजेश? आप कौन है प्लीज बताइए, आप कौन है? मुझे खोलो, मुझे घर जाना है, मुझे खोलो। घर कैसे जाइएगा? शादी तो पहले होने दीजिए। किसकी शादी? कौन दामाद? ना यार कोई दामाद नहीं, किसकी शादी प्लीज बताओ, मैं यहाँ नहीं चलता हूँ। मुझे क्यों बांधो प्लीज, मुझे खोलो जल्दी खोलो। खोल के कहाँ लेके जाएंगे? दामाद जी को मंडप में लाओ। मालिक लेके आ रहे हैं। चलिए मास्टर साहब। इनको कैसे भूल सकते हैं? कहानी की एक ऐसी पात्र जिनका डायलॉग कम रिएक्शन ज्यादा है। कहने को तो चांद है सज्जन सिंह की, पर कुंडली में चंद्र ग्रहण है इनके। अरे चलिए मास्टर जी, कब तक कमारे बैठेंगे? ब्याह शादी करना भी जरूरी है। बैठिए, जूता खोल रहे। जानते हैं मालिक, दुनिया टिकी है सिद्धांतों पे, लेकिन चलती सेटलमेंट से ही है। आप चिंता मत कीजिए, बाद में कुसुम बिटिया बहुत खुश रहेगी। जानते हैं पिंटुआ के शादी भी तो ऐसा ही हुआ था।
तीन चार गो बाल बच्चा खेल रहा है घर में उसके। जानता है रे बर्जेस जी मालिक, आज हमारा सपना पूरा हो गया। अब बस यही चाहते हैं कि कुसुम बिटिया सदा सौभाग्यवती भव रहे। बिल्कुल मालिक, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नारायण यजमान कन्या के सिंदूर दान का आरंभ करें। बुझे सारे सपने अपने जलाशियाना, अनजान राहों की अजनबी फिजाओं में तन्हा 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 बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद दीजिए। वह संपन्न हुआ। अखंड सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। सदा सौभाग्यवती भव। जी तो फैमिली फोटो हो जाए। शिक्षक बन के कुछ करके दिखाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए कहां फंस गए यार ब्रिजेश। सच जहर लेके आना चाहिए था। क्या है ये सब? बाप नहीं समझा सकती थी क्या तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चुपचाप वही बोलेगा खड़ी रहोगी तुम।
अरे ब्योती गमछा गिरा दिए मैं सर बाबू। जीजा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नवाज जी। आओ चंदन। हाँ ले जाओ तनी हल्का करवाओ। चलिए 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 जी महाराज चलिए। अरे परदेसवा जी भाई देखिए तुम खाते कर रहे थे। ठीक है मालिक। के नवंबर महीने में पकड़ा हुआ विवाह या जबरन बंदूक की नोक पर हुई शादी को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जबरन सिंदूर लगवाना या लगाना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह नहीं है।